हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना। तो इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अपने, योजनाओं से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, मतलब जितने भी सारे योजनाएं हैं, महिलाएं बाल विकास विभाग द्वारा जितने योजनाएं चलाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जितने योजनाएं संचालित हैं, तो सारी योजनाओं को जो है कवर कराया गया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। जाकर प्लेलिस्ट पे ज़रूर देखिएगा, बहुत सारे मतलब उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है और विगत वर्षों में क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जो है कवर कराया गया है। तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना। एक योजना छूट गया है तो इसको कैसे छोड़ देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में जो है वर्ष 2023 के लिए 5173 बालवाड़ी के साथ इस योजना का शुरुआत करेंगे समयानुसार, और मिलने वाली सफलताओं को देखने के बाद जो है बालवाड़ियों की संख्या में और वृद्धि की जाएगी। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के तहत सरकार का मकसद यही है कि वे अपने राज्य के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है पढ़ाई का एक सुंदर माहौल खड़ा करना चाहते हैं। यानी कि एक तरीके का एक प्ले स्कूल है जिसमें जो है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा दी जाएगी, जो है कि खेलते खिलाते जो है बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तो देख लेते हैं बालवाड़ी योजना क्या है इसको डिटेल में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई है जिसके तहत राज्य के सभी आंगनबाड़ियों को बालवाड़ी में बदला जाएगा। सभी बालवाड़ी में बालवाड़ी सहायिका के साथ सहायक शिक्षक को भी रखा जाएगा, ठीक है। बालवाड़ी योजनाओं के अंतर्गत जो है आंगनबाड़ी यानी कि स्कूल के ग्राउंड में जो आंगनबाड़ी बना हुआ है, ठीक है, आंगनबाड़ी बना हुआ है उसको जो है बालवाड़ी में कन्वर्ट किया जाएगा, बदला जाएगा, जिसमें जो है आंगनवाड़ी सहायिका के साथ एक सहायक शिक्षक रखा जाएगा जो आंगनवाड़ी सहायिका के साथ बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देंगे। अभी सभी सहायक और शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उसका थीम था आंगनवाड़ी बालवाड़ी का जो थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाओ शिक्षा के गाड़ी, ठीक है, याद रखना ये थीम पूछा जा सकता है, ठीक है। बालवाड़ी की थीम क्या थी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा की गाड़ी ये थीम है, याद रखना। तो इस थीम के साथ छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का अनाउंसमेंट किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार के इस स्कीम के द्वारा 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक बढ़िया खुशहाल शिक्षा का माहौल बनना है, क्योंकि वैज्ञानिक का मानना है कि मनुष्य का 80% दिमाग का विकास 8 वर्षों से पहले ही हो जाती है, इसीलिए जो है बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। जिस प्रकार निजी स्कूलों के द्वारा प्ले स्कूल बनाया गया है जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के द्वारा सरकारी प्ले स्कूल बनाने का कार्य किया है, तो जिसमें बच्चों को विशेष सुविधा दी जाएगी, जिसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा एवं उनके लिए एक बेहतर शिक्षा का माहौल बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य यही है कि वह अपने राज्य के सभी 5 से 6 वर्ष के बच्चों और विशेष रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार वाले बच्चों को बेहतर बचपन की शिक्षा दे सकें, जिससे जब वे बढ़ें हो तो उनकी सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा हो, जिससे भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की वृद्धि तेज़ी से हो पाए। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यानी कि छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है, जिससे जो है पिछड़े परिवार वाले या और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर परिवार वाले के बच्चों को जो है उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, इसीलिए जो है बालवाड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है। एक तरीके से जो है ये प्ले स्कूल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना से जुड़े कुछ तथ्य।
एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक बच्चों के 80% तक दिमाग की वृद्धि जो है 8 वर्षों से पहले हो जाती है। इस वजह से बच्चों को जितना जल्दी पढ़ाना सिखाना शुरू किया जाए उतना अच्छा होता है, इसलिए सरकार प्ले स्कूल को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के लिए दिए जाने वाले सभी बालवाड़ी केंद्रों को 1 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे बच्चों के लिए फर्नीचर, खेल के सामान और शिक्षा संबंधी वस्तुओं प्राप्त हो सके। बालवाड़ी केंद्र के लिए शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से लाए जाएंगे। बालवाड़ी छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के लाभ और विशेषताएं हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बालवाड़ी योजना के तहत सरकारी प्ले स्कूल बनाया जा रहा है। इस योजना के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 से 6 वर्ष के बच्चों को लाभ प्रदान की जाएगी। इस योजना के द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ियों को बालवाड़ी केंद्र में जो है बदला जाएगा। जितने भी सभी आंगनबाड़ियों को जो है बालवाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बालवाड़ी केंद्र के लिए 52 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। कितने करोड़ का? 52 करोड़ का फंड दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बालवाड़ी केंद्र के लिए कितने रुपए का फंड दिया गया है, तो 52 करोड़ का फंड दिया गया है, याद रखना। इन पैसों के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सौंदर्यकरण किया जाएगा और विशेष जो है कमरा प्रदान किया जाएगा। बालवाड़ी केंद्र में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें विशेष रूप से खेल में बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो बालवाड़ी योजना का लाभ किसे मिलेगा, ये हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का लाभ जो है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्ले स्कूल बनवा रही है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक उठा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के तहत गरीब लोगों के लिए सरकारी प्ले स्कूल बनवा रही है, ताकि गरीब के बच्चे भी बहुत ही कम आयु से स्कूल जाना और पढ़ाई करना सीख सकें। इस योजना के लाभ जो है छत्तीसगढ़ का कोई भी नागरिक उठा सकता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सरकारी प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी, ताकि हर वर्ग के बच्चे बहुत छोटी आयु से पढ़ना लिखना सीख सकें। प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के द्वारा क्या किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के द्वारा जो है राज्य में निजी स्कूल के तर्ज पर सरकारी प्ले स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है, इस योजना के द्वारा राज्य के 5 से 6 वर्ष के वर्षों के बच्चों को खेल में शिक्षा देने का उद्देश्य है, जिससे कि बचपन से ही उनके सोचने और समझने की क्षमता का विकास बेहतर हो। छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई है? तो छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना की शुरुआत जो है 5 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव बालवाड़ी योजना से संबंधित जानकारी। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।